बिहार से आज मानसून की विदाई, सामान्य से 23% कम बारिश। बिहार से मानसून आज विदा हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 13 अक्टूबर को बिहार के अधिकांश हिस्सों से मानसून लौट गया है। इसकी ट्रफ रेखा राज्य के अररिया जिले के फारबिसगंज से गुजर रही है। 24 घंटे में यहां से भी मानसून की विदाई हो जाएगी। इस साल मानसून के सीजन में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक ही मानसून का समय माना जाता है। इन्हीं 4 महीनों में बारिश की गणना की जाती है और ऐसे में इस बार 1 जून से 30 सितंबर के बीच इस बार बिहार में 760.5 mm बारिश हुई है, जबकि इस दौरान 992.2 mm बारिश होनी चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। लगातार कई जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज भी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद उमस में कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के 17 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। तापमान भी धीरे धीरे नीचे की ओर लुढ़केगा। अगले 7-8 दिनों के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आएगा। इस दौरान रात के समय ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में जून और जुलाई महीने में काफी कम बरसात हुई है। इन दोनों महीनों में 48-48% बारिश की कमी दर्ज की गई। हालांकि अगस्त और सितंबर में इससे बेहतर बारिश हुई। धान और अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए इस साल जून और जुलाई का महीना बेहद मुश्किल भरा रहा, लेकिन अगस्त महीने में कुछ हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते 1 दिन बारिश की संभावना है। इसके अलावा बाकी दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। 17 अक्टूबर को पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, शेखपुरा आदि में बारिश की संभावना है। इस साल 23% से कम बारिश हुई है। अगस्त और सितंबर में बेहतर मानसून रहा है। अगस्त में सामान्य से 13% ज्यादा बारिश हुई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।